ब्रिटेन से इंदौर आए यात्री में कोरोना का नया स्ट्रेन मिलने के बाद जिला प्रशासन अब मुस्तैद नजर आ रहा है। टीम लगातार युवक पर नजर बनाए हुए है। वहीं युवक की हालत भी अब पूरी तरह से ठीक बताई जा रही है। देखिए ये रिपोर्ट। 6 दिसंबर को युवक इंदौर आया था, जिसके बाद जांच में वो पॉजिटिव पाया गया था। वहीं उसके बाद युवक की जांच रिपोर्ट नेगेटिव भी आ चुकी है, लेकिन एहतियात के तौर पर प्रशासन लगातार युवक के हालात पर नजर बनाए हुए है। अभी नॉर्मल है, नेगेटिव हो गया है वो। वो 6 तारीख को लौटा था यहाँ पर, उसके 39 कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग 39 की थी उसकी, उसमें से 5 इंदौर में है, 34 लोग बाहर जा चुके हैं। वहाँ हम लोगों ने सूचना दे दी है, 5ों 1 महीने के बाद पूरे नॉर्मल है, कोई सिम्टम्स नहीं है उनमें। फिर भी प्रिकॉशनली उनका टेस्ट करा लिया गया है और ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है उसमें। तो अभी ऐसा कोई भी हम लोगों के चर्चा में, वहाँ जांच में, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में नहीं आया है कि उससे जुड़ा हुआ किसी व्यक्ति को ये चीज़ हुई है। किंतु वायरस है, पहले भी कोविड ऐसे ही आया था, और तो वायरस से सतर्कता तो इंसानों को रखनी पड़ेगी। बहरहाल ये उम्मीद भी जताई जा रही है कि वैक्सीनेशन के बाद कोरोना के नए स्ट्रेन में भी कमी देखी जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।